और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे पर जब अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका पहुंचने पर न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रियों, स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों, निवेशक और उद्यमियों समेत कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों पर आइए, दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारतीय अमेरिकी शिक्षाविदों में होड़ सी देखी गई। अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों, कुलपतियों और उच्च शैक्षिक संस्थानों के निदेशकों सहित वैज्ञानिकों व समाज शास्त्रियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से की। न्यूयॉर्क में पीएम से मिलने के लिए शिक्षाविदों का तांता लगा रहा। गणितज्ञ प्रोफेसर नसीम निकोलस तलिब से मुलाकात के दौरान भारत में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवाओं द्वारा नए उद्यम पर चर्चा हुई। I connect with His Excellency the Prime Minister. We sat down. He mentioned anti-fragile. We spoke about bouncing back from adversity. And we spoke about central risk taking. So it was wonderful. And I also commended India on the response to COVID and how, you know, India was very efficiently dealt with it, particularly with the food distribution and all of that. PM Modi ne USA mein Bharatiya Ameriki gayika, sangeetkar aur Grammy puraskar vijeta Falguni Shah se mulaqat ki. Pradhanmantri ne Sushri Shah ke geet Abundance in Millets ke liye unki sarahna ki, जो स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। He just loved the song. He's like, let's hope that a lot of people benefit from this song and that, you know, it really touches a lot of souls and the cause is taken care of. पीएम मोदी ने अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग, समेकित चिकित्सा पर अधिक फोकस तथा स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर तैयारी सहित स्वास्थ्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और नीतिगत उद्यमी प्रोफेसर पॉल रोमर के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री और प्रोफेसर रोमर ने आधार और डिजी लॉकर जैसे नवोन्मेषी टूल्स के उपयोग सहित भारत की डिजिटल यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने शहरी विकास के लिए भारत द्वारा की जा रही विभिन्न पहल पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह के साथ मुलाकात की। शिक्षाविद कृषि, विपणन, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान सहयोग और पारस्परिक अकादमिक आदान प्रदान बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों पर दृष्टिकोण और अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी विचार मूलक विशेषज्ञों के एक समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और विशेषज्ञों ने कई विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रमुख अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक, लेखक और विज्ञान संचारक नील डेग्रासे टायसन से भेंट की। प्रधानमंत्री और श्री टायसन ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी निवेशक, लेखक और हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के सह संस्थापक रे डेलियो से मुलाकात की। डेलियो के साथ अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. So I think India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous opportunity, tremendous changes in India that are going to be really startling.
पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क से बुधवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। एलन मस्क ने कहा कि वो मोदी के फैन हैं और भारत में निवेश को लेकर काफी उत्साहित हैं। In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but in the same time, make sure it accrues to India's advantage. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद सभी अतिथियों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की बढ़ती ताकत का एहसास आज हर जगह देखा जा रहा है। सभी लोग आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत की शक्ति को काफी प्रभावी मानते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।